धौलपुर जिला अभी तक कोरोना वायरस से दूर रहा, लेकिन एक मरीज 26 वर्षीय जाकिर पुत्र अलीबख्श निवासी राठौर कॉलोनी की जांच पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसे इलाज के लिए SMS जयपुर भेजा गया। मरीज के मुताबिक यह हरदोई के मरकज से आना बता रहा है और दिल्ली मरकज से नहीं आना बता रहा है। तो वहीं दिल्ली टोंक और मेहंदीपुर बालाजी दौसा में हुई जमात में से लौटे धौलपुर जिले के 42 लोगों की पुलिस ने तलाश कर स्क्रीनिंग कराई है। पुलिस ने 42 लोगों की स्क्रीनिंग कर होम आइसोलेट कर दिया है, साथ ही उन मकानों के बाहर भी सूची चस्पा की है। दिल्ली के मरकज में मिले कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद धौलपुर जिले के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली की ओखला मंडी से लौटे जिले के सरमथरा उपखंड से 13 और धौलपुर के 2 लोग दिल्ली जमात से लौटे हैं। जिले के बाड़ी अस्पताल में सरमथरा से मिले 13 लोग और जिला अस्पताल में 1 युवक के साथ 1 बालिका के सैंपल को जांच के लिए जयपुर भेजा है। इधर दिल्ली जमात से आए लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने धूलकोट में भी 1 युवक के आने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस युवक के घर पहुंची, लेकिन उसके परिजनों ने बताया कि वह अभी दिल्ली में ही रुका है। पुलिस ने घर की निगरानी शुरू करवा दी है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुताबिक सभी 42 लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई, लेकिन किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, फिर भी इनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जिला प्रशासन को इसके अलावा 23 लोगों को सूची प्राप्त हुई है, जिसमें कि जो हॉटस्पॉट है उसके आसपास इनका रहना बताया गया है। इसमें अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जिसमें धौलपुर के 5, बाड़ी के 7, बसेली के 7 और राजाखेड़ा के 3 लोग हैं। ये अन्य समुदाय के व्यक्ति हैं और टावर एनालिसिस के आधार पर यह बताया गया है कि यह लोग वहां जो क्षेत्र था हॉटस्पॉट का, वहीं इनकी उपस्थिति पाई गई है। इनकी भी हमने स्क्रीनिंग कराई है। इनमें अधिकांश लोग ट्रेस हो गए हैं। 1-2 लोग का दिल्ली या अन्य क्षेत्रों में रहना पाया जा रहा है। आज दिनांक 62 जांच अपन ने कराई है, जिसमें से एक मरीज जाकिर पुत्र अलीबख्श 26 वर्षीय निवासी राठौर कॉलोनी की जांच पॉजिटिव पाई गई है। जैसे हम इलाज के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में भिजवा रहे हैं। शेष जाँचें हमारी नेगेटिव हैं। 4 सैंपल हमने आज किए हैं और इसकी हम सारी सूचना जिला प्रशासन को सब कुछ। सर, ये मरकज से आया बताया जा रहा है? ये मरकज से आया है, लेकिन हमको इंट्रोगेशन करने से ये हमें बता रहा है कि हम हरदोई के मरकज में गया है। ये दिल्ली जाने की घटना को तो ये बता नहीं रहा है, जैसा हम लोगों ने इससे बात करी है, पर शायद ये मरकज में गया है ऐसा लग रहा है। प्राथमिक लक्षण आए हैं क्या सर? प्राथमिक लक्षण इसमें नहीं है, टोटली एसिम्प्टोमेटिक है, पर जाँच इसकी पॉजिटिव है, जिसके कारण हमें इसको जयपुर भेजा। करीब 42 लोगों के स्क्रीनिंग की गई है। आज समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित किया गया है कि ये मरकज से आए और संदिग्ध लोग हैं। मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि 3 अलग अलग ग्रुप्स में ये लोग आए हैं। 13 आदमी जो हैं 22 फरवरी को ओखला मंडी दिल्ली में थे, 26 फरवरी को रवाना होकर ये धौलपुर सब्जी मंडी में आए, उसके बाद 27 फरवरी को सरमथरा में आए हैं और 27 फरवरी से लगातार सरमथरा में निवास कर रहे हैं। ये बिहार और दिल्ली के हैं और जमात के कार्यक्रम के हिस्से में वो सरमथरा आए थे। इनकी स्क्रीनिंग करा ली गई है और किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि 27 फरवरी से निरंतर तौर पर वो धौलपुर में सरमथरा में प्रवास कर रहे हैं। 1 महीने से अधिक अवधि हो चुकी है। संक्रमण जो का जो सिस्टम है उसके तहत अगर 14 दिन के अंदर लक्षण आने की बात होती है तो निश्चित रूप से हम इस बात से आश्वस्त हैं कि ये लोग संक्रमण से मुक्त हैं, परंतु फिर भी इसके बावजूद इनको एहतियातन निगरानी में रखने के लिए कहा गया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि करीब 17 लोग ऐसे हैं जो टोंक से आए हैं, सरमथरा के रहने वाले हैं। 1 मार्च को ये टोंक गए थे, जमात के कार्यक्रम में इन लोगों ने टोंक में भाग लिया था और टोंक से ये 27 जून को वापस सरमथरा लौट के आए हैं। इनकी स्क्रीनिंग करा ली गई है डॉक्टर्स के द्वारा और इसमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए, पर एहतियात के तौर पर इन लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई है, होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। इसके अलावा सरमथरा क्षेत्र के कल 12 लोगों का और परीक्षण कराया गया है। 1 मार्च को ये मेहंदीपुर बालाजी दौसा में गए, वहां एक मस्जिद में ये लोग रहे हैं, वहां पर जमात के किसी कार्यक्रम में शिरकत हुए हैं। ये लोग भी दौसा में ही रहे हैं और 29 जून को वापस लौटे हैं। इनकी स्क्रीनिंग काम कराई जा रही है और अभी तक जो समाचार प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक इनमें किसी को भी किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन एहतियातन इन लोगों को भी
होम आइसोलेशन रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की संक्रमण की संभावना नहीं रहे। मैं ये बताना चाहूंगा ये 42 लोगों जिनकी सर्वे कराया गया है उनमें से कोई भी व्यक्ति के दिल्ली के मरकज कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात सामने आई है। ये विभिन्न स्थानों पर टोंक गए हैं, दौसा गए हैं और जो ओखला मंडी दिल्ली भी गए हैं वो करीब एक महीने से यहाँ प्रवास कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावनाओं की नहीं है। उसके उपरांत भी हम लोगों के द्वारा एहतियात बरता जा रहा है, इनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है ताकि अगर कोई स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके। इसके अलावा 23 लोगों की और सूची आज प्राप्त हुई है जिसमें कि जो हॉटस्पॉट है उसके आसपास इनका रहना बताया गया है, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहने वाले हैं। इसमें से धौलपुर के 5 लोग हैं, बाड़ी के 7 लोग हैं, बसेड़ी के 7 लोग हैं और राजाखेड़ा के 3 लोग हैं। ये अन्य समुदाय के व्यक्ति हैं और टावर एनालिसिस के आधार पर यह बताया गया कि ये लोग वहाँ जो क्षेत्र था हॉटस्पॉट का उसके आसपास इनका उपस्थिति पाई गई है। इनकी भी आज हमने स्क्रीनिंग कराई गई है, इनमें से अधिकांश लोग टेस्ट हो गए हैं। एक दो लोग जो है दिल्ली या अन्य क्षेत्रों में रहना पाया जा रहा है उनका, तो उनको संबंधित अधिकारी को सूचित कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में हमको शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र की राठौर कॉलोनी में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने से राठौर कॉलोनी क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना देखते हुए कॉलोनी क्षेत्र के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्थित राठौर कॉलोनी क्षेत्र के 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाए रखने के दृष्टि से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जाती है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राठौर कॉलोनी सहित 17 कॉलोनियों में जन साधारण की शक्ति से आवक व जावक निषेध घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की गई है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि जारी की गई निषेधाज्ञा के अंतर्गत सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश प्रदान किए। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलर्ट रहा है और समस्त प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं। आज जाकिर जो है सोनोवाली वक्त से एक पॉजिटिव केस पाया गया है। मूल रूप से जांच में पाया गया कि ये निजामुद्दीन ये गया था 18-19 मार्च को, बाद में ये लौटा है, तथ्यों में छुपाया, पर पुलिस के द्वारा बड़ी गहनता से जब पड़ताल की गई तो ये तथ्य सामने आया और इसकी जो CTR का एनालिसिस पाया गया तो उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफी उसके अनुसंधान के बाद इसकी शिनाख्त कर ली है कि ये वहाँ गया था। इसकी एक इसकी भाई की बेटी भी आगरा से साथ लाया था तो वो नेगेटिव पाई गई है। परिवार के जो 12 लोग हैं उनकी सैंपलिंग करा ली गई है और जाकिर को गहन जांच के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। कुछ और लोग जो मरकज से लौट के आए धौलपुर जिले के अंदर, कुछ अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त होती जा रही है, जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री और लोकेशन हिस्ट्री इसकी ट्रेवल हिस्ट्री मिल रही है उसके आधार पर हम जांच कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि मरकज से कोई और लोग आए। यस, ये बात जरूर है कि लोग बाजार में अब हवाओं का मार्केट जो है बहुत एक्टिव हो गया है जी सर, लेकिन जो भी व्यक्ति जाकिर के संपर्क में आए और जाकिर जहां जहां घूमने गया है, जिन जिन लोगों से मिला है, उन सब की हम गहनता से जांच करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि लोगों में जागरूकता इतनी अधिक है कि इसके परिवार के कुछ लोग स्वयं के स्तर पर अस्पताल आए और उन्होंने अपनी जाँच कराई है। घर से 1 किलोमीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा घोषित किया गया है, जो कि बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति वहां पर रहेगी। किसी को भी घर से बाहर आने जाने की, वहां पर आवागमन की जो है वो आज्ञा नहीं है। पूर्ण तरह प्रतिबंध जो है वो आवागमन पे लगाया गया है। उस क्षेत्र के जितने भी दुकान, प्रतिष्ठान, बैंक और अन्य सेवाएं जो है वो संपूर्ण रूप से बंद रहेंगी। बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था जो है पूरे क्षेत्र में की गई है। पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा और वहां पर किसी भी तरह का अगर कंटेनमेंट जोन में उल्लंघन करते हुए यदि कोई पाया जाएगा तो IPC की धाराओं में, एपिडेमिक एक्ट की धाराओं में उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा? 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो जो है बफर जोन है और बफर जोन में जो है वो पैसिव सर्विलांस वहां पे रहेगी। यानी किसी भी व्यक्ति की यदि लक्षण किसी भी तरह के पाए जाते हैं, खांसी है, जुकाम है, इस तरह का, तो वो उसको चेकिंग करने के लिए जो है बफर जोन घोषित किया गया है। 1 किलोमीटर की परिधि जो है वो कंटेनमेंट जोन है, वहां पे एक्टिव सर्विलांस जो है वो रहेगी और मेडिकल टीम जो है वो डोर टू डोर सर्वे जो है प्रत्येक घर का, प्रत्येक व्यक्ति का जो है वहां पे करेगी। सर, जाकिर की मूवमेंट हिस्ट्री कुछ हो तो अगर सर? मूवमेंट हिस्ट्री 18 मार्च को जो है यहां से धौलपुर से दिल्ली जाना जो है उसमें सामने आया है। शुरुआती दौर में इसने तथ्यों को जो है पुलिस से छुपाया था, थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने बाद में ये जाहिर किया कि मैं हरदोई उत्तर प्रदेश जो है वो गया था, परंतु उसके बाद भी जो है तकनीकी विश्लेषण जब इसकी CDR मोबाइल की CDR का किया गया
तो उसमें ये तथ्य सामने आया है कि 18 मार्च को और 19 मार्च दो दिन ये जो है निजामुद्दीन नई दिल्ली में जो है रुका है और वहाँ पे जमात के संपर्क में आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पशु पक्षियों के दाना पानी को लेकर आए संकट से निपटने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने इसको गंभीरता से लेते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पशु पक्षी प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिला कलेक्टर ने पक्षियों के दाने के लिए प्रशासन द्वारा 5 क्विंटल बाजरे की व्यवस्था कर वॉलंटियर एवं पशु पक्षी प्रेमियों ऐसे स्थानों को चिन्हित कर पक्षियों को दाना डालने का बनाई गई। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए शहर के आसपास के विद्यालय में करीब 5 क्विंटल आटे की रोटियां बनवाकर मोहल्ले वाइज गाय बंदर स्वान के लिए वितरण की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को निर्देश देते हुए कहा कि मंडी क्षेत्र में आढ़तियों के सहयोग से गायों के लिए चारे की व्यवस्था कराई जाए। सहायक निदेशक पशुपालन सुनील माटा को निर्देश देते हुए कहा कि गायों के लिए हरे चारे का प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करें। इस संकट की घड़ी में बेजवान पशु पक्षियों के प्रति दया भाव दिखाते हुए पशु पक्षी प्रेमी बनकर उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हुए विशेष सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों के लिए लोग अपने भोजन की व्यवस्था के लिए बनाई गई रोटियों के अतिरिक्त सुबह शाम अतिरिक्त बनाकर उनको गाय बैल स्वान एवं पक्षियों को खिलाकर अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए सेवा कार्यों में सहयोग करें। हमने तो अष्टमी और नाम नवमी पशु पक्षियों के साथ ही बनाया और प्रयास ही किया कि जो पशु पक्षी काफी लंबे समय तक बिना चारे दाने पानी के हैं रोटियों के हैं तो उनकी व्यवस्था की जाए और कल हमने रोटियां भी आज करी। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राधा बिहारी मंदिर के पास जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा कन्या भोजन और गाय को पूरी खिलाने के साथ ही दूसरी कम्युनिटी किचन का शुभारंभ किया गया। इस किचन में प्रतिदिन करीब 1000 लोगों का दोनों समय का भोजन तैयार कराया जाएगा। कम्युनिटी किचन में तैयार किए गए भोजन को नगर परिषद तथा NCC और स्काउट के स्वयंसेवकों के माध्यम से गरीब दिहाड़ी मजदूर बेसहारा तथा अन्य जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने गर्ल्स स्कूल की कम्युनिटी किचन एवं भंडार गृह का भी निरीक्षण किया। लॉकडाउन के दौरान किराना स्टोर उचित मूल्य की दुकानें व मेडिकल स्टोर द्वारा अधिक राशि वसूल करने तथा रेट लिस्ट चस्पा न करने पर संबंधित दुकानदार की दुकान सीज कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया है कि सभी निरीक्षक आवंटित क्षेत्र में दौरा करें तथा शिकायत मिलने पर उसी समय आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई कर दुकान को सीज कर मुकदमा दर्ज कराएं। जिला कलेक्टर ने बताया कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि दुकानदार निश्चित समयावधि में दुकान नहीं खोल रहे हैं तथा दुकान खोलने पर ग्राहकों से अधिक राशि वसूल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों पर अधिक भीड़ होने के कारण दुकानदार पर्ची वितरण कर ही राशन उपलब्ध करावे तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार को ही खाद्यान्न उपलब्ध करावे तथा पर्ची के अनुसार ही उनका नाम बुलवाकर राशन वितरण करें।